गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ डे 10 और डे 10 में आज हम हमारा चैप्टर 2 के जो है ट्रू फॉल्स करेंगे, जो बुक में पेज नंबर 19 है और ये आपको बुक में ही रखना है, आपको कॉपी में नहीं करना है ट्रू फॉल्स को। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है इसमें से क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। द एरिया ऑफ सोशल सर्विस इज़ वेरी फास्ट, जो सोशल सर्विस का जो एरिया है वो आजकल बहुत वेरी फास्ट हो गया है, ठीक है, बहुत यूज़ हो गया है, तो ट्रू। स्टूडेंट्स हैव लॉट्स ऑफ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल, क्या स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है फैमिली की जिसे वो पूरा करें, नहीं गलत है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती स्टूडेंट्स के ऊपर। द आइडिया ऑफ स्प्रेडिंग लिटरेसी बाय अडोप्टिंग, जो आजकल ये जो आइडिया विचार आया है गाँव को गोद लेकर और उसमें काम करने का, अच्छाइयाँ फैलाने का, ही हैज़ गेन पॉपुलरिटी दिस डे, ये आजकल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो यस ट्रू। पीपल्स लिविंग इन स्लम्स आर अनेबल टू फुलफिल एवन देयर बेसिक नीड्स, जो पीपल्स झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है ना, जो मतलब स्लम्स एरिया में रहते हैं उनकी वो अनेबल हैं अपनी सारी फुलफिल करने में जिम्मेदारियाँ जो उनकी ज़रूरत है, मीन्स कि जो बस्ती में रहते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, तो ट्रू। वी कैन रिलाइव द लॉन्लीनेस ऑफ ओल्ड पर्सन बाई टेकिंग दैम टू सोशल गैदरिंग और पार्टीज, क्या हम जो ओल्ड पर्सन से उनकी लॉन्लीनेस उनका अकेलापन दूर कर सकते हैं सामाजिक कार्य से और पार्टीज वगैरह से, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, हम उनकी बेसिक नीड्स जरूरत पूरी करेंगे तो उनका अकेलापन दूर होगा। सेल्फलेस सोशल वर्क इज़ वे टू सर्व ह्यूमैनिटी, जो सेल्फलेस सर्विस है, जो सेल्फलेस सोशल वर्क है, मतलब बिना निस्वार्थ की जो सेवा है वो मानवता के लिए भी एक बहुत अच्छा काम है, तो ट्रू। द पर्सन हु डू सोशल सर्विस आर कॉल्ड सोशल वर्कर्स, जो काम करते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, क्या हम उन्हें जो सामाजिक सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, हम उसे सोशल वर्कर कहते हैं, तो यस ट्रू। तो ये आपका ट्रू फॉल्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको बुक के अंदर कंप्लीट करना है, सो ओपन योर बुक एंड कंप्लीट योर ट्रू फॉल्स। थैंक यू।